नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको मित्सुबिशी की पीएलसी के अंदर प्रोग्राम राइट करना बताऊंगा। देखिए, इसके लिए आपको कम्युनिकेशन केबल की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे, ये मेरे पास 8 पिन की कम्युनिकेशन केबल है जो इसकी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होती है। मैं इसका एक एंड यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा पीएलसी की तरफ और दूसरा एंड मैं अपने लैपटॉप के अंदर कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे देखिए, मैंने यूएसबी से इसको लैपटॉप पे कनेक्ट कर दिया है और ये मेरा लैपटॉप है, सॉफ्टवेयर है जहाँ पे ये प्रोग्राम खुला हुआ है। मेरे को इस प्रोग्राम को राइट करना है। ये मेरा GXWorks जो है सॉफ्टवेयर अभी मेरा ओपन है, तो इसको राइट करने के लिए मैं जाऊंगा ऑनलाइन पे। यहाँ पे देखिए, ये जो ऑनलाइन वाला ऑप्शन है, ये इस वाले पे मैं ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा और राइट टू पीएलसी, ये जो राइट टू पीएलसी वाला ऑप्शन दे रखा है, ये वाला, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा राइट टू पीएलसी पे। तो ये जो प्रोग्राम है, ये पीएलसी के अंदर राइट होने के लिए रेडी हो जाएगा। अब ये वाली मेरी इसके बाद विंडो आ जाएगी, तो इसमें से मैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर लूँगा और सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पर ये जो एग्जीक्यूट है इसको मैं प्रेस कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट ऑल करूँगा, ये वाली मेरी पैरामीटर की विंडो आएगी, यहाँ से सिलेक्ट ऑल, और उसके बाद यहाँ से मैं जो ये एग्जीक्यूट वाला बटन है इसको प्रेस कर दूंगा। तो मेरा ये प्रोग्राम देखिए पीएलसी के अंदर राइट हो जाएगा। राइट होने से पहले ये पीएलसी को कहता है कि स्टॉप मोड में आपको पीएलसी को डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा इसको और जो पीएलसी है वो मेरा स्टॉप मोड में चला जाएगा और जो राइट टू पीएलसी प्रोग्राम है देखिए वो मेरा स्टार्ट हो जाएगा। ये 4 स्टेप के अंदर पूरा होगा। जैसे ही ये पूरे हो जाएंगे, ऊपर 4x4 हो जाएगा, तो मेरा जो प्रोग्राम का राइटिंग है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अभी इसके अंदर प्रोग्राम जो है मेरा राइट हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये पुरानी FX1N सीरीज़ की पीएलसी है। देखिए अभी प्रोग्राम राइटिंग चल रहा है, तो पीएलसी जो है वो अपने आप स्टॉप मोड के अंदर चली गई है। पहले ये पीएलसी रन मोड में थी, अपने आप ही किस में चली गई है, स्टॉप मोड में चली गई है। इसका बटन भी ऊपर की तरफ है, देखिए बटन नीचे की तरफ नहीं है, बटन ऊपर की तरफ है। ये जो स्टॉप हुई है अभी, ये यहाँ सॉफ्टवेयर से स्टॉप हुई है। सॉफ्टवेयर क्योंकि इसके अंदर प्रोग्राम को राइटिंग कर रहा है, इस वजह से इसने पीएलसी को स्टॉप मोड में डाल दिया है। तो अभी देखिए, ये प्रोग्राम की राइटिंग मेरी चल रही है, ये हो गया 100 और इसके बाद ये कह रहा है कि कमेंट नहीं है, इसको ओके कर देना है। इस ऑप्शन को देखिए, 3x4 हो चुका है। अभी जैसे ही ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो पीएलसी है वो चलने लगेगा, राइटिंग जो है हमारी वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये पुरानी सीरीज़ की हमारी पीएलसी है, FX1N पीएलसी है और हम सीरियल पोर्ट से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। देखिए, ये इसकी केबल है, यहाँ से ये केबल यहाँ पे ये लगी हुई है पीएलसी के ऊपर और ये इसकी केबल की डिटेल है। अगर आपको केबल की डिटेल चाहिए कि प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी केबल यूज़ होती है, तो इस केबल को आप अपना मंगवा सकते हो, मित्सुबिशी की FX सीरीज़ की पीएलसी की केबल। ये इस तरीके से यहाँ पे एक तरफ एक एंड लैपटॉप पे लगा हुआ है मेरा और दूसरा एंड वहाँ पे पीएलसी के ऊपर लगा हुआ है इस तरीके से। और यहाँ पे ये राइटिंग की, इसकी प्रोग्राम राइटिंग का चल रहा है सॉफ्टवेयर से। ये सारे का सारा सेटअप इस तरीके से बना हुआ है। देखिए, अब जैसे पूरा हुआ तो ये कह रहा है कि द CPU स्टेटस इज़ करंटली स्टॉप, वुड यू लाइक टू परफॉर्म द रिमोट रन, यस। अब जैसे ही मैं देखिए इसको यहाँ से यस करूँगा, तो वहाँ पे जो पीएलसी है वह मेरा रन मोड के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को पीएलसी के अंदर राइट कर सकते हैं, जो भी हम राइट करना चाहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको विंडो को मैं क्लोज़ कर दूंगा, यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा, तो ये जो प्रोग्राम है मेरा यहाँ पे रहेगा और इस प्रोग्राम को जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा, देखिए पीएलसी से जो भी इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है, आउटपुट वगैरह, देखिए जैसे ही मैंने ऑन किया तो Y1 आउटपुट ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से जो प्रोग्राम है, अगला आउटपुट ऑन हो गया। देखिए, इसके अंदर जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट ऑन हो रही है और ये पीएलसी सही तरीके से काम करने लग गया है। ये Y3 अगली आउटपुट ऑन हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।